देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। पीएमसी बैंक के ग्राहकों के दर्द पर कोई मरहम नहीं लगाया। जिन्होंने खून पसीने की कमाई से पाई पाई जोड़ी थी, सपनों को मारकर भविष्य के लिए पैसे जमा किए थे, कभी घूमने का मन किया तो टाल दिया, इतनी कुर्बानी के बाद पीएमसी बैंक में पैसे जमा किए इस उम्मीद के साथ कि बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन आज इन ग्राहकों को अपने पैसे के लिए ही लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पिछले 3 महीनों से पीएमसी बैंक के ग्राहक अपने ही पैसे लेने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएमसी बैंक घोटाले केस में मुंबई पुलिस ने 32,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। इस घोटाले में पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में पीएमसी बैंक के पूर्व डायरेक्टर जॉय थॉमस, पूर्व चेयरमैन वरियम सिंह, बैंक के पूर्व निदेशक सुरजीत सिंह अरोड़ा, HDIL के प्रमोटर राकेश वाधवान और सारंग वाधवान का नाम है। इन सभी 5 आरोपियों पर ठगी, धोखाधड़ी, सबूत मिटाने और दस्तावेजों की जालसाजी के आरोप है। सितंबर में पीएमसी बैंक घोटाला सामने आते ही सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिलहाल 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे पीएमसी घोटाले को अंजाम दिया गया। पीएमसी बैंक ने कुल कर्ज का 70% हिस्सा HDIL और उसकी सहायक कंपनियों को दे रखा था। लोन की राशि को छुपाने के लिए HDIL और उसकी सहायक कंपनियों ने 44 खाते खोले थे। इन्हीं 44 खातों में कर्ज की रकम को ट्रांसफर किया गया। लोन की ये रकम 6,500 करोड़ रुपए के करीब है। इस मामले में खुलासा तब हुआ जब HDIL समय पर कर्ज नहीं चुका पाया और बैंक के कुल कर्ज का 70% हिस्सा डूब गया। बैंकिंग की भाषा में कहें तो NPA हो गया। अगर किसी बैंक का कुल कर्ज का 70% डूब जाए तो उस बैंक को डूबा हुआ ही समझ लेना चाहिए। बैंक की इतनी बड़ी रकम डूबने से ग्राहकों को भी जमा रकम मिलने में दिक्कत होने लगी। मुंबई पुलिस की जांच में ये भी पाया गया कि बैंक में 21,049 फर्जी खाते खुले हुए थे। जिन लोगों के नाम पर खाते खोले गए उनमें से ज्यादातर मर चुके थे। 21,049 खाते कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं बनाए गए थे, बल्कि इन्हें एडवांस मास्टर इंटेड एंट्री के रूप में RBI के सामने पेश किया गया था। HDIL के प्रमोटर्स ने बैंक लोन की इस रकम का इस्तेमाल देश और विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया। इस मामले में पुलिस एक्शन कर रही है, लेकिन ग्राहकों का क्या जो अपने ही पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोग पहले ही देश में बैंकिंग सिस्टम को कमजोर कर चुके हैं। अब ये समय की जरूरत है कि केंद्र सरकार को बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए कुछ सख्त नीतियां बनानी चाहिए।